अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। हमारे जो के नंबर 5 है, बड़ा स्पेशल पेयर है। ये है ब्लू फिशर स्प्लिट इनू का मेल है और ब्लू फिशर स्प्लिट इनू का ही फीमेल है। ये ऑलरेडी पहले घर की ब्रीड है। इस वक्त फर्स्ट क्लच इन्होंने दिया है, फर्स्ट क्लच। फर्स्ट क्लास में इनकी बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस है और सबसे जो पहले पूरे हमारे जो सेटअप के अंदर ना 32 जो केजेस में से बर्ड में से तो इन्होंने बच्चे निकाले हैं 4 पेयर के। मैं अभी इसको दिखाता हूँ आपको। ये देख रहे हैं अभी मादी जो फीमेल है वो इसके अंदर ही है और ये बाहर चले गई है। अभी मैं आपको बच्चे दिखाता हूँ इसके। माशाल्लाह ये देखें, एक अंडा भी पड़ा हुआ है, इंशाल्लाह निकलेंगे। इसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5 है। इसके अंदर 5 बच्चे हैं, जिसमें मैंने अभी थोड़ी देर पहले चेक किया था, करीब महीना, जिसमें 3 रेड आई हैं और 2 ब्लैक आई हैं इसके अंदर। इंशाल्लाह उम्मीद है कि जैसे ही अभी थोड़े दिनों के हैं, कुछ 5 दिन के बच्चे हैं, कुछ 3 दिन के हैं, कुछ 2 दिन के हैं, इस तरह करके हैं। तो ये बहुत, ये देखें नज़दीक करके दिखा रहा हूँ आप। और बहुत अच्छी प्रोग्रेस है, हालांकि नॉर्मल पेयर है बिल्कुल ही, लेकिन माशाल्लाह इसने रेड आई भी डाला हुआ है, स्प्लिट इनू भी डाला हुआ है, अल्बाइनो स्प्लिट इनू। अभी ये थोड़े से बड़े होंगे फिर इंशाल्लाह इसका पता चल गया। ये दिक्कत है, ये घर की ब्रीड है। अभी ये जो बच्चे हैं ये अल्बाइनो रेड आई केज नंबर 22 के हैं, सॉरी 23 के हैं। ये केज, ये जो चाइल्ड हैं ये इस 23 के हैं, ये जिन्होंने अभी 4 बच्चे की प्रोग्रेस। हालांकि ये भी अल्बाइनो स्प्लिट इनू, इन्होंने अभी 2 अंडे दिए हैं अभी, क्योंकि ये हम फोस्टल करेंगे। पहले ही मैंने आपको पहले बताया कि 2 पहले अंडे जो थे, 4 अंडे वो हमने फोस्टल किए थे केज नंबर 1 में। अभी जो इनकी ही चिक्स हैं वो निकले थे इनके, ब्लू फिशर स्प्लिट इनू और ये दोनों मेल और फीमेल थे। ये दोनों को लगाया है पेयर, तो इनकी प्रोग्रेस मैंने आपको पहले बता दी है। ये देखें, और एक अंडा भी पड़ा हुआ, मेरे ख्याल अंडा भी निकला है। अंडे से बच्चे का टाइम तो हो रहा है, मे भी कि ना निकाले। अभी फीड भी करवा रही हैं, फीड भी शायद नज़र आ रही है आपको, येलो येलो वाली। बहुत ही अच्छा पेयर है, कम प्राइस में। हालांकि ये तब हमें इसका दे रहे थे वो 3,3500 दे रहे हैं, हमने नहीं लिया, लेकिन वो फ़ायदा हमें नज़र आ रहा है आज कि जो नहीं लिया वो फैसला बहुत अच्छा था, जिसकी वजह से हमारे जो ये रेड आई बेबी डाल रही है, 3 रेड आई डाले हैं और 2 ब्लैक आई। अगर दोनों को कंपैरिजन करें तब भी देन बहुत एनफ है। इंशाल्लाह उम्मीद तो बहुत है कि ये और 10-15 दिन तक ये स्टार्ट हो जाएंगे, थोड़े से बड़े हो जाएंगे, तो फिर इंशाल्लाह इनका रिव्यू करेंगे। ये ठीक है, थैंक यू।